हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेबी टॉप, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। और बेबीज़ पे इस तरह के कलर बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से ये टॉप बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने डोरियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पर पॉम पॉम लगाए हुए हैं, और यहाँ पर छोटा सा एक फ्लावर लगाया हुआ है जो मैंने ऊन से ही तैयार किया है। और यहाँ पर छोटे छोटे से बटन लगाए हुए हैं जो रेडीमेड बटन है, आप चाहें तो ऊन से भी बनाकर लगा सकते हैं। और ये स्लीव्स बनाई हैं, आप इसको विदाउट स्लीव्स भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है, आप इसको विदाउट स्लीव्स बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स भी बनाई हुई हैं जो बहुत प्यारी लग रही हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका बॉर्डर भी अच्छा लग रहा है। आप इसका साइज़ की बात करें तो ये 3 से 5 साल के बेबी को आराम से आ जाएगा। और इसकी वूलन की बात करें तो इसमें सारी वूलन जो है वो 200 ग्राम के करीब लग गई है। बाकी डिपेंड करता है कि आप ऊन कौन सा ले रहे हैं और क्रोशिया नंबर कितना ले रहे हैं, तो उस हिसाब से ऊन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ के फंदों की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसको, अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये नेक साइड से ही हमने स्टार्ट किया है। तो नेक साइड मतलब यहाँ से आप फंदे जो मैंने बताए हैं 70 फंदे डाले हैं। उसके अलावा अगर आप और भी बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं तो फंदों को बढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चे का बनाना चाहते हैं तो फंदों को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर पूरा ओपन रखना है, मैंने यहाँ तक सिर्फ ओपन किया है, इसके बाद में मैंने यहाँ से जॉइन करके बनाया है। आप चाहें तो इसको पूरा ओपन कर दें, वो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चाहिए हो और भी नए नए आइडियाज़ नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे शुरू किया है, कैसे बनाया है और कितने कम वक्त में बन गया है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर तैयार कर लिया है। अगर आपकी स्पीड भी मेरे जैसी है तो आप भी इसको 2 दिन में बना लेंगे, और अगर थोड़ी सी भी स्लो है तो फिर इसको 3 दिन में आराम से बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से और भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर बनाकर, या फिर कुछ और लगाकर, या फिर मोती वगैरह भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी बहुत सुंदर लग जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं, बस वीडियो प्लीज़ थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम पहले चेन बना लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर फ्रेंड अगर फंदों की बात करें तो मैंने यहाँ पर जो है 70 चेन ली हैं, ठीक है ना। तो ये नेक का साइड रहेगा, तो चाहें तो आप इंची टेप से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये देखिए 12 इंच का लिया है, ठीक है। आप चाहें बच्चे के गले से नाप के उतना ले सकते हैं। और फंदे की बात करें तो यहाँ पर मैंने 70 फंदे लिए हैं, और जो क्रोशिया नंबर है, क्रोशिया से भी फ़र्क पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर 11 नंबर का क्रोशिया नंबर लिया है। और ये 3 से 4, 4 से 5 साल के बच्चे को एकदम आराम से आएगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको 70 चेन लेने के बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, और एक्स्ट्रा लेने के बाद में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो हमने ये पूरी चेन जो है डबल क्रोशिया से तैयार कर लेनी है इस तरह से। बस हर चेन में इस तरह से डालते जाना है और डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से ये पूरा तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो पूरी नेक पट्टी जो है वो बनाकर तैयार कर ली है, और ये पूरी चेन बनाने के बाद में हमने यहाँ पर 2 सिंगल चेन ले लेनी है, और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पर ये सारी चेन आपको नज़र आ रही होंगी, सारी चेन बनी हुई है। तो एक चेन में हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है, उसके बाद में
दूसरी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन दो बार बनानी है, ठीक है ना। तो एक में एक बार बनानी है और एक में दो बार बनानी है। ये देखिए, इसमें हमने एक बार बनाया और ये सेकंड वाली में हमने दो बार बनाया, और बस इसी प्रोसेस से हमें ये वाली पूरी लाइन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। बस ऐसे करते जाना है, एक बार फिर दो बार, एक बार फिर दो बार, यहाँ पर भी एक बार, और इस वाले चेन में हमने दो बार बनाना है। ईजी है ना, तो इसको मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने जो है ना पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से बनाया है, एक चेन में दो बार और एक चेन में एक बार, इस तरह से पूरी लाइन को बना लिया। और यहाँ पर हमारे एक साथ बहुत सारे फंदे जो हैं वो बढ़ गए हैं, और ये कुछ इस तरह से गोल नेक पट्टी बन गई है, गले की पट्टी इस तरह से, ठीक है। अब हम इसके आगे का शुरू करते हैं। तो आगे वाली लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर दो चेन ले लेंगे और एक चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और ये जो देख रहे हैं ना फ्रेंड आप, जिसमें दो बनाई है हमने एक साथ, तो उसके बीच में से हमने डालना है, ये वी शेप बन जाएगा, और एक चेन ले लेनी है और फिर वापस इसी में डालना है। तो देखिए ये वी शेप में बन गया है, और फिर जो सिंगल चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है, तो उसमें हमने इस तरह से, मतलब इसमें नहीं डालना है, हमने इसको बीच से उठाकर फंदा इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा डिज़ाइन ये बनता हुआ जाएगा, थोड़ा सा उभर के आएगा। तो क्या करना है, ये हमारा ऐसे बन गया, और अब जो ये वी शेप है, इसके जो डबल फंदे हैं उसके अंदर हमने इस तरह से डालना है, और फिर डालकर एक चेन ले लेनी है, और एक चेन लेने के बाद में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर एक पे इस तरह से फंदा उठाकर हमने ले लेना है। बस इसी तरह से हमें पूरा बना लेना है। हो सकता है कि कैमरे में इतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर ये बस इसी तरह से बनाना है, बस इतना ध्यान देना है, जहाँ हमने डबल फंदा लिया है वहाँ पर डबल क्रोशिया, एक चेन, वापस से डबल क्रोशिया बनाकर, और फिर जो एक डबल क्रोशिया है उसको अंदर से बीच से उठाना है इस तरह से, और फिर डबल क्रोशिया, और इसी प्रोसेस से हमने ये पूरे रॉ को तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको पूरा तैयार कर लिया है, और लास्ट में हमने ये फंदा इस तरह से उठाकर कर लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दो चेन ले लेनी है, इसको पलट देना है, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इसी तरह से बनता जाएगा, जो हमने फंदे को उठाकर लिया है वो, और ये रॉ हमारी आगे तक बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। तो बस अब जो सेकेंड बार में हमने जो ध्यान देना है वो ये देना है कि हमने ये जो ये पहले डबल क्रोशिया बना लेनी है, और डबल क्रोशिया बनाने के बाद में ये जो वी शेप हमने बनाया है इसको हमने वैसे ही रखना है जैसे अभी हमने बनाया है, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर वापस से डबल क्रोशिया, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी बात ध्यान देने की है, वो पहले हमने इस तरह से उठाया था फंदा, अब हमें इस तरह से नहीं उठाना है, उल्टी साइड से बना रहे हैं, तो हमने पीछे की साइड से उठाना है फंदा इस तरह से। ऊन का कलर डार्क है, और हो सकता है कैमरे की वजह से क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप बनाएंगे तब आपको पता लगेगा। तो हमने ये जो उभार कर बनाना है इसको इस तरह से, तो जब हम सीधी साइड से बनाएंगे तो फंदा इस तरह से लेंगे, और जब हम इस तरफ से उल्टी साइड से बनाएंगे तो फंदा पीछे की साइड से लेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, और हमने इसको इसी तरह से बनाते जाना है जैसे कि हमने ये वाली रॉ बनाई थी, बस डबल क्रोशिया, एक चेन, और वापस से डबल क्रोशिया, ठीक है। और ये रहा, फिर हमें इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे बनाना है, तो हमारा ये फंदा उठ जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे तक बनाते जाएंगे, डिज़ाइन हमारा बढ़ता जाएगा, और बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पूरा बना लिया है, और यहाँ पर मैंने 6 रॉ बनाई है, 1, 2, 3, 4,
3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो 6 में हमने यही बनाया है कि जो वी शेप में आया है हमारा, तो यहाँ पर एक ही फंदे में हमने दो बनाए, दो डबल क्रोशिया, सॉरी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर ये वाला जो पैटर्न है ये इसी तरह से हमारा उठता जाएगा। सीधी साइड से हमें फंदे को आगे से लेना है और उल्टी साइड से हमें फंदे को पीछे से लेना है, तो हमारा ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो 6 लाइन बनाने के बाद में हमने यहाँ से फंदे बढ़ाने, तो फंदे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, तो फंदे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया और अब ये जो वी शेप है इसमें से हमने दो डबल क्रोशिया बनानी है। अभी तक हम एक डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब दो डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे, बस इतना ही करना है और बाकी ये चीज़ सेम रहेगी। फंदा अगर आगे की साइड है तो हमने फंदे को इस तरह से उठाकर बनाना है, पीछे की साइड है तो पीछे से उठाकर बनाना है, तो बस इतना ही करना है। अभी तक हम एक को डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस तरह से हमारा पैटर्न आगे तक बढ़ता जाएगा। तो अभी हमने 6 लाइन बनाई है और अब ये हमें 10 लाइन कर लेनी है, ठीक है ना। तो इसको मैं करके आपको पूरा करके दिखाती हूँ। दो डबल क्रोशिया, एक चेन और ये दो डबल क्रोशिया, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर जो 6 लाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है, सॉरी 10, 6 पहले की थी और इसके बाद में और यहाँ पर अगर आप एक ही कलर का बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दो कलर का बनाना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा कलर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर वाइट कलर ले लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाली जो रॉ है इसमें हमने पहले यहाँ पर सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाई थी, एक चेन, और फिर यहाँ पर आने के बाद में हमने दो डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पर भी अभी हम यही बनाएंगे, दो और ऐसे ही बनाने वाले हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने जो ऊन है दूसरी कलर की ऐड कर ली है, अगर आप एक ही कलर की बना रहे हैं तो फिर रहने दें, ऐसे ही बनाएं। और यहाँ पर बस इसी तरह से करना है, यहाँ पर जो दो रॉ और हैं वो हमने ये दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया वाला ही बनाना है, बस ऐसे ही। और ये चीज़ सेम रहेगी हमारी आगे तक, तो बस इसको ऐसे ही बनाते जाना है। तो ये वाली रॉ पूरी कर लेंगे, डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने वाइट कलर की एक रो जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर वापस से मैंने वाइट कलर को कट करके यहाँ पर ये दूसरा कलर जो है वो ऐड कर दिया है। अभी हम एक लाइन जो है इसकी पूरी बनाकर इसी तरीके से दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ये बना दिया है और फिर मैंने इस वाली ऊन को भी कट करके वापस से मैंने वाइट कलर को ऐड कर दिया है और सेम वैसे ही बनाते जाना है, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर ये जो मैंने 6 रॉ हैं वो सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, एक चेन वाली बनाई थी, फिर यहाँ पर जो 6 रॉ हैं वो डबल क्रोशिया और एक चेन वाली बनाई थी, और अब हम यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया, 3 क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर और एक चेन वाला बनाएंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ से जो है ना आर्म होल को ओपन करना है, तो आर्म होल को ओपन करने के लिए हमने यहाँ पर इसको अच्छे से काउंट कर लेना है कि ये कितने हिस्से में बैठ रहा है। हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, यहाँ पर जो आर्म होल आ जाए इस साइड में और ये फ्रंट साइड आ जाए और बैक साइड आ जाए। तो यहाँ पर तो ये मेरी 25 है, तो मैं उसी हिसाब से बना लूँगी, आप कितने में बना रहे हैं आपको उसी हिसाब से बना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फ्रंट साइड का मैं देख लूँगी, बैक साइड, और यहाँ पर आर्म होल का बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको काउंट किया है, तो ये जो हमारे हैं ये 35 हैं, ठीक है ना, ये 35 हैं। तो 35 के लिए हमने 5 इस साइड रखने हैं और 5 इस साइड, यानी कि हमारे 10 रो हैं फ्रंट साइड पे आएंगी और 11 रो बैक साइड जाएंगी, ठीक है ना। बाकी 7 रो हमारे यहाँ पर आएंगी और 7 रो हमारे यहाँ पर आएंगी, तो जिसको हमने इस तरह से कर देंगे ऐसे, और 5 साइड में ये बनाकर इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने
पांच बना लिए हैं, ठीक है ना, पांच से छः, एक दो तीन चार पांच, पांच बनाने के बाद यहाँ पर एक यहाँ पांच बनाने के बाद हमने यहाँ पर सात छोड़ देने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात छोड़ने के बाद आठवीं रॉ में हमने इसको बनाना है, फिर ये हमारा आर्म होल जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर बाकी हमने इसको सेम प्रोसेस से बनाना है, कुछ भी चेंज वेंज नहीं करना है, बस थ्री डबल क्रोशिया एक चेन और ये थ्री डबल क्रोशिया एक चेन करके ऐसे बनाते जाना है। बाकी इसको ऐसे फंदा उठाना है और यहाँ पर 11 हमने बना देनी है बैक साइड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच के बाद में हमने यहाँ पर सात रो को छोड़ दिया था, सात रो छोड़ने के बाद हमने यहाँ पर आर्म होल ओपन करके यहाँ पर 11 बनाए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह के बाद में हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए फिर से सात को छोड़ देना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद में यहाँ पर हमारे पाँच बचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से हमने इसको भी बना लेना है। और देखिए इस तरह से, और इसको भी बिल्कुल वैसे ही बना लेना है बस। तीन डबल क्रोशिया एक चेन और फिर वापस से तीन डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, बाकी डिज़ाइन हमारा वही रहेगा, सब चीज़ वही रहेगी, बस फंदों को जब हमें बढ़ाना होगा तब हम इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो छः हमने सिंगल की ली थी, छः डबल की ले ली, अब छः यहाँ पर ट्रिपल की ले रहे हैं और इसी तरह से बस बनाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके ये पूरा लगभग पूरा जो है वो बना लिया है, बनाकर रेडी किया है। तो मैंने जो आपको बताया था जो स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ स्टार्ट करने में यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया एक चेन के साथ बनाया था, फिर हमने छः लाइन बनाने के बाद दो डबल क्रोशिया एक चेन के साथ बनाया था, फिर आगे जाकर हमारे फंदे बढ़ गए थे तो हमने यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ बनाया था, ठीक है ना। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ बनाया था, और फिर यहाँ आने के बाद हमने पांच डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ बनाया था। तो इस तरह से ये हमारा जो स्वेटर है ये पूरा बनकर तैयार है। और अभी इसमें आप यहाँ पर डोरी लगा सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर ओपन करके रखा है और यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, तो आप चाहें तो उसको पूरा ओपन कर सकते हैं और या फिर इसको यहाँ से इस तरह से फ्रॉक के टाइप ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बटन लगाने वाली हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो आप इसको फ्रेंड ऐसे भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने ये चीज़ बताई आपको, आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। विदाउट स्लीव्स रखना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्लीव्स बनाने वाली हूँ तो आपको दिखाती हूँ वो कैसे। तो ओपन साइड रख सकते हैं आप यहाँ पर और डोरी वगैरह लगा सकते हैं, इसके बाद आपके ऊपर है आपको कितना अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स दिखाती हूँ आपको, मैं स्लीव्स कैसे बनाने वाली हूँ। यहाँ से हमने इसका आर्म होल लिया है, अगर आपका आर्म होल फिट बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बड़ा लग रहा है, तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एक है ना एक रो है इसको हम स्किप कर देंगे। तो इसको स्किप करने के लिए हमने कुछ फंदे यहाँ पर लेने हैं और इसको स्किप कर देंगे, ताकि जो सात हैं वो हमारे पास छः फंदे और छः रो रह जाएंगी, ठीक है ना। बाकी बनाना इसको बहुत ईजी है, बस इसी तरह से बनाते जाना है आगे तक। तो यहाँ से हमने शुरू करना है इसको, यहाँ से वाइट कलर का ऊन ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया लेनी है, सिंगल क्रोशिया, अगर हम डबल लेते हैं तो इस तरह से फंदा डाल कर लेते हैं, सिंगल लेना है तो हम इस तरह से लेंगे, और बस कुछ फंदे हमने इस तरह से सिंगल ले लेने हैं ऐसे करके, और हमने ये यहाँ तक आना है, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर हमने इन सारे फंदों को एक साथ ले लेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा हमारा ये जो फंदा है ना वो यहाँ से कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हमने सिंगल फंदा ले लेना है ऐसे। अब हमारा जो आस्तीन है वो यहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ पर हमने तीन सिंगल चेन ले लेनी है, और फिर यहाँ पर ये चीज़ हमें सेम
बनाते जाना है, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर हम वहाँ फंदे हमारे बढ़ते गए थे, वहाँ फंदे बढ़ाने नहीं हैं। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, और ये 3 डबल क्रोशिया, और ये वाला पैटर्न हमारा ऐसे ही रह जाएगा। बस इतना ही करते जाना है आपको, और इसी तरह से स्लीव्स हमारी तैयार हो जाएगी। और लेंथ आप अपने हिसाब से रख लें, बेबी के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रखनी है, और कलर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर इसको पूरा वाइट बनाने के बाद में लास्ट में हमने क्या करना है, दूसरा वाला कलर ऐड कर देना है। एक स्लीव्स मैंने बना के तैयार की हुई है, दिखा देती हूँ कैसे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना, स्लीव्स भी इस तरह से बना लेनी है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ बनती चली गई है। और लास्ट में यहाँ पर आकर हमने फंदे, जैसे हमने यहाँ पर रॉ को स्किप कर दिया था तो हमने फंदे कम हो गए थे, वैसे ही हमने यहाँ पर आकर जो है ना एक रॉ को स्किप कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे फंदे और कम हो गए हैं, ताकि हमारी बाजू का शेप जो है ना वो अच्छे से आ जाए। तो चलिए फिर, वैसे तो मैं इसमें सारा कुछ बता ही चुकी हूँ, अब इसको पूरा तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ।